इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा, इसलिए लाइक को भी दबाएं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपके लिए लाया हूँ ये 2.5 KV का होंडा का जनरेटर GU30i। तो आप देख सकते हैं इसकी हम सर्विस करेंगे और आपको दिखाएंगे सर्विस कैसे कैसे होती है, इसकी पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे, और हमें वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो देखें जिसमें कि आपको पूरा समझ में आए। अब आप थोड़ी वीडियो देखते हैं, देखने के बाद उसमें बीच बीच में काट कर देख लेते हैं, फिर कहते हैं जी इसमें ये नहीं था वो नहीं था, तो हम सब चीज़ बताते हैं, तो आप कहते हैं कि बीच बीच में काट देते हैं, तो आपको आप इसमें देखें कि क्या हम बता रहे हैं, तो कुछ हम बताते हैं कुछ हम दिखाते हैं बस, तो ये रहता है। कई लोग हमें बोलते हैं कि जी वीडियो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं, क्योंकि साइड पे जब होते हैं तो कस्टमर होता है सामने, सब अपने सामने कराने करते हैं, तो उनके सामने वीडियो बनाते हैं तो वो कहते हैं भैया हमें काम अर्जेंट है, हमें ये मत चलाओ, जल्दी से हमारा काम कर दो। तो फिर भी हम किसी ना किसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाते हैं, और आप जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू कर देख के और ख़त्म कर देते हैं, कैसे में तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको सीखना है तो आपको वीडियो पूरी देखें और कमेंट ज़रूर करें कैसी बनी, और कुछ कुछ सीखने को क्या मिला आपको पता चलेगा। तो देखें, इसका मोबाइल ऑयल का ढक्कन यहाँ पे है जिससे कि हम मोबाइल ऑयल निकालेंगे इसका, और एक नीचे है, नीचे से हम बिल्कुल पूरा मोबाइल ऑयल हमारा निकल जाएगा। तो अब इसमें हम गोटी लगाते हैं, ये देखें यहाँ पे आप गोटी लगाएं, और गोटी लगाने के बाद इसमें से मोबाइल ऑयल निकलेगा, और उसको मोबाइल ऑयल को पूरा निकाल लेना है। तो ये देख लें, तो ये हमारा होंडा कनोपी सेट है और पूरा साइलेंट प्रूफ है, कोई साउंड नहीं करता है ये, तो इसको हम सर्विस करने के बाद चला के दिखाएंगे, आपको पता चलेगा कैसी आवाज़ है इसकी। तो ये देखो, ये साइलेंसर है इसका, साइलेंसर, इसको हम कोई डब्बा लेके उसमें फिर मोबाइल ऑयल निकालते हैं, आप देखते रहे। तो ये देखें, हमने गोटी गोटी छोटी टी गोटी होती है उसकी मदद से हमने ये बोल्ट खोल लिया है। इसको हम एक बोतल में निकाल लेते हैं, या कोई गत्ता लगा के आप नीचे कोई थाली प्लेट भी रख सकते हैं, उसमें भी निकल जाएगा। तो ये देखें, हमने मोबाइल ऑयल पूरा निकाल लिया है। तो ये देखें, इसमें मोबाइल ऑयल जो घेरा है हमने, इसमें थोड़ा मोबाइल ऑयल घेरा है, आप गेज से चेक कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से अंदाज़ लगा सकते हो कि ये बाहर तक दिखना चाहिए, जैसे बाहर निशान में दिखाता रहता है उस तरीके से आपको दिखता रहना चाहिए, तो आप का मोबाइल ऑयल पूरा गेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें, जो बाइक में तेल डलता है वो तेल आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो सर्वो का कैस्ट्रोल का होता है कोई सा भी आप ब्रांड डाल सकते हो, जो कैस्ट्रोल है सबसे बढ़िया है, और उसमें एक दो होर आते हैं जो होर बढ़िया गोल्ड वोल्ड में आते हैं वो भी बढ़िया है, आप प्रीमियम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा गेज ओके हो चुका है, क्योंकि मोबाइल ऑयल बाहर तक आ गया है, क्योंकि हमारा जब तक बाहर तक नहीं आता जब तक हमारा मोबाइल ऑयल कम ही रहता है, तो हम टी गोटी से फिर कस देते हैं इसको अच्छे तरीके से, जिससे कि वाइब्रेट होकर ढीला ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो उसकी अच्छी तरीके से सफाई कर देनी है, सफाई करके ढक्कन हम बंद कर देते हैं। तो ये देख लें, इसका पीछे बैक कवर बैक में होता है जो साइलेंसर के नीचे ठीक होता है, वहाँ से मोबाइल हम निकाल सकते हैं। अब इसके हम कार्बोरेटर और फिल्टर पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होगा।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसका ढक्कन लगा दिया है। अब हमने इसका एयर फिल्टर खोल लिया है। ये देखें, एयर फिल्टर हम इसका साफ़ करते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कचरा होता है, जो जल्दी साफ ना हो। तो इसका देखिए अभी फ़िलहाल चल जाएगा इसका एयर फिल्टर कागज़ का, अगली बार नया डालना पड़ेगा। तो ये देखें, जिसका यहाँ पे कार्बेटर है, एयर फिल्टर है, और इसका ये देखिए कितने केवी का है, यहाँ लिखा हुआ है। आप इसको पुश करके देख सकते हैं, ये रोक के देख सकते हैं। रोक के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कितने केवी का है। ठीक है दोस्तों, और इसको हम अच्छे तरीके से सफाई कर देते हैं, क्योंकि कार्बेटर हम इसको नहीं खोलेंगे। कार्बेटर खोलते हैं तो मतलब जब कोई कस्टमर बोलता है कि जी हमारा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, या स्टार्ट में तेज़ हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, या कोई दिक्कत है, या रेस में कोई दिक्कत है, तो हम कार्बेटर खोलते हैं। अब हमारा ये इसका स्टार्टिंग काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम कार्बेटर नहीं खोलेंगे। इसका फ़िल्टर विल्टर सब साफ़ कर देंगे, मोबिल ऑयल साफ नया डाल दिया, इसका एयर फिल्टर नया कर दिया, मतलब साफ सफाई कर दी अच्छी तरीके से। सफाई करके आप इसे फिट कर दें, और कोई पाइप वाइप देख ले, कोई पाइप तो फटा हुआ नहीं, कोई लीकेज तो नहीं हो रही है। इस चीज़ का आपको इंजन की सर्विस में ध्यान रखना है, बड़ा सेट हो या छोटा हो, सब में आपको यही ध्यान होता है कि हमारा जो लीकेज है वो लीकेज ना होनी होनी चाहिए, मतलब लीकेज नहीं होनी चाहिए कहीं से। कोई पाइप वाइप गला हो तो उसे भी चेंज कर देना चाहिए। तो ये देखिए, हम अच्छी तरीके से सफाई करके इसको हम फिट कर देते हैं। तो ये देखें, अब हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि इसका साउंड कैसा और कैसा चल रहा है। तो ये देखें, इसको हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि स्टार्ट का क्या क्या प्रोसीजर है। तो इसमें खाली पेट्रोल से स्टार्ट होता है, पेट्रोल से चलता है ये। तो ये देखें, यहाँ पे ये लाल स्विच है, इसको ऑन पे कर लेते हैं। इसके बगल में इसकी चौक है, हम स्टार्ट करते हैं, नहीं हुआ तो हम चौक खींच लेते हैं। चौक खींचने पर स्टार्ट हो गया, फिर दोबारा अंदर कर देनी है। तो देखिए, हमारा जनरेटर स्टार्ट हो चुका है। साउंड देख सकते हैं आप कैसा साउंड है। तो ये देखें, साउंड बढ़िया है। चौक उठाने पर जनरेटर दब रहा है, उसका मतलब सही काम कर रहा है। तो देखें, इसका आवाज़ भी सही आ रही है और बढ़िया चल रहा है। इसको हम बंद करके देखते हैं, फिर देखें आवाज़ कैसी आ रही है। वीडियो देखने धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने में हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।